अस्सलाम वालेकुम, हम रफीक हार्डवेयर की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक नए स्केल की कैलिब्रेशन सिखाएंगे, जो बगैर फर्ज करें आपको कैलिब्रेशन कोड ना पता हो तो उसकी कैलिब्रेशन कैसे की जाती है। तो आज हम आपको उसकी कैलिब्रेशन सिखाएंगे। तो ये एक नया मीटर लगाया है हमने, ये 18x22 का एक फ्रेम है, 18 इंच की चौड़ाई है और लंबाई 22 इंच है। मुगल कंपनी का ये है, मुगल कंडा फैक्ट्री गुजरावाला का है। तो चलते हैं कैलिब्रेशन की जानिब। तो सबसे पहले इसके बैक साइड से 4 पेच होंगे, वो आपने खोल लेने हैं, जो मैं पहले ही खोल चुका हूँ। तो जैसे ही आप कार्ड को खोलेंगे तो कोई लोहे की कोई चीज़ ले लेंगे। आपको यहाँ पर ये जंपर नज़र आ रहा है, तो आपने ये जंपर को शॉर्ट करके पावर का बटन दबाना है, ऑन करना है। जैसे ये ऑन होगा आपने 1 का बटन दबा देना और फिर 1.5 का बटन दबाएंगे, दरमियान में आपको स्मॉल 0 नजर आएगी। आपने पेचकस को बाहर निकाल देना है। पेचकस निकाल के आपने फिर 1 का बटन दबाना है, फिर 1.5 का बटन दबाना है। ये स्टेप 2 में चला जाएगा। तो आगे जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो ये स्टेप 2 में आपने इसके प्लेटफॉर्म पे वजन रखना है। मैंने इसके ऊपर 20 किलो का वजन रखा, तो हम इसको 99 किलो तक चलाएंगे और 10 ग्राम से। तो वजन रखने के बाद आपने 1.5 का बटन दबाना है। 1.5 का बटन दबाएंगे तो यूनिट प्राइस में 3 लिखा आ जाएगा, जिसका मतलब ये स्टेप 3 में है। तो जो वजन आपने इसके ऊपर रखा है उसकी वैल्यू देनी है। मैं 20 किलो रखा है तो 20,000 देंगे। 20,000 लिखने के बाद आपने फिर 1.5 का बटन दबाना है। ऊपर आप देखेंगे वजन एडजस्ट हो चुका है, दरमियान में 4 लिखा आ रहा है यूनिट प्राइस में। तो ये स्टेप 4 में है। स्टेप 4 में आपने इसकी कैपेसिटी बतानी है कि कितनी रखनी है। तो मैं इसको 99 किलो तक चलाना चाह रहा हूँ। तो 99,000 लिखने के बाद 1.5 का बटन दबाएंगे, ये स्टेप 5 में चला जाएगा। स्टेप 5 में आपने इसके डेसिमल पॉइंट एडजस्ट करने हैं, 3 डेसिमल से, 2 डेसिमल से या 1 डेसिमल से। फिलहाल हमने इसको 3 डेसिमल पे चलाना है, तो नीचे टोटल प्राइस में 3 लिखेंगे, फिर 1.5 का बटन दबा देंगे। ये स्टेप 6 में आ जाएगा। स्टेप 6 में आपने इसमें डिवीजन देनी है कि कितने ग्राम से चले, 5 ग्राम 10 ग्राम। तो मैंने इसको 10 ग्राम से चलाना है, तो मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा। 10 लिखने के बाद फिर 1.5 का बटन दबा देंगे। आपका स्केल कैलिब्रेट हो चुका है। अगर आप इसमें वैल्यू 999 तक आती है, आप इससे ज़्यादा देना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक कोड मिलाना पड़ेगा 978 और फिर 1.5 का बटन दबाएंगे, दरमियान में आपको 0 नज़र आएगी। आपने 5 का बटन दबा देना है। 5 का बटन दबाने के बाद आप 1.5 का बटन दबाएंगे, ये 0 यहाँ पे इधर से उठ के इधर आ जाएगी। तो आप अब इसमें 1000 की वैल्यू भी दे सकते हैं, 2000 वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर आप इसको वापस लाना चाहते हैं उसी 2 फिगर पे, तो 978 और फिर 1.5 का बटन दबाएंगे, आप फिर 2 5 लिख देंगे, 25 लिखेंगे और फिर 1.5 का बटन दबा देंगे, ये वापस अपनी हालत में आ गया। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।